गाइज गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल आर्यंस कॉर्नर। होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। तो अभी आज का दिन ना बहुत खास होने वाला है। आज का ब्लॉग बहुत अच्छा होने वाला है, आप सबको बहुत मज़ा आने वाला है। ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ, इसलिए मैं बोल रही हूँ ऐसा बिकॉज़ आज हम जाने वाले हैं थोड़ा बाहर, इसलिए बेसिकली आज होने वाला है ट्रैवल ब्लॉग। यस, हम कहाँ जा रहे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। हम जा रहे हैं यहाँ पे पास में एक जगह है, पास बोले तो उतना भी नहीं है, आई थिंक 70 किलोमीटर ना। हेलो, सुन ही नहीं रहे। तो आई थिंक 70-80 किलोमीटर ऐसा कुछ है, और वो जगह का नाम है मांगी तुंगी। वहाँ पे महावीर जो जैनिज्म रहते हैं, जैन धर्म के लोग, वर्ल्ड का सबसे बड़ा स्टैचू है वहाँ पे। तो ये ब्लॉग ज़रूर देखिएगा, बिना स्किप करिए। मैं आपको जितना कोशिश करूँगी, जितना हो पाएगा मैं शेयर करूँगी आपको। वहाँ का लोकेशन बहुत अच्छा है बिकॉज मैंने ऐसे नेट पर सर्च किया था, एंड काफ़ी लोगों से सुना भी है, काफ़ी अच्छा लोकेशन है और काफ़ी इंजॉय होने वाला है। फर्स्ट टाइम मैं जा रही हूँ मांगी तुंगी। यहाँ से एक्चुअली हम लोग का कोरोना से पहले का प्लान चल रहा है, फिर अचानक से कोरोना आ गया तो सब प्लान फ्लॉप हो गया। फाइनली आज हम जा रहे हैं, और ऑलरेडी हम थोड़ा लेट हो चुके हैं। लेट नहीं, अभी 7:15 हो रहे हैं, बट अभी मुझे फटाफट से चाय बना के चाय पीऊँगी, देन शावर वगैरह लेके कपड़े पे चेंज करके बाबू को भी उठाना है और हमको जाना है। आज का मौसम काफ़ी अच्छा है क्योंकि आज धूप नहीं निकली है, अभी धूप नहीं निकली है क्योंकि 7:15 हो रहा है। हो सकता है बाद में धूप निकले, एक्चुअली अभी हम लोग निकल जाना चाहिए था, बट कोई नहीं, हो गया बहुत बड़बड़। तो इंट्रोडक्शन हो गया वीडियो का, और वीडियो पे बने रहिए, मैं आपसे मिलती हूँ थोड़ी देर बाद तैयार होने के बाद, और फिर मैं आपको शेयर करती हूँ वहाँ का व्यू कैसा है, जाते टाइम कैसा कैसा है, और जो भी है मैं आपको शेयर करूँगी ब्लॉग में। तो होप ये ब्लॉग आपको बहुत बहुत पसंद है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अभी हम लोग थोड़ा सा पराठा, मैंने ये बनाया है और चाय बन गई, तो चाय पराठा भी हम लोग खा के निकलने वाले हैं बिकॉज पहुँचते पहुँचते करीबन 1.5 घंटा लग जाएगा, 1.5 से 2 घंटा। तब तक पेट में कुछ तो रहेगा, तो ऑलरेडी मैंने यहाँ पे कुछ पराठे बना के रखे हैं और यहाँ पे बना लेंगे, देन फिर हम ये हमारा ब्रेकफास्ट रहेगा, ये खा के हम निकल जाएंगे। सो वी आर रेडी, दिखा लो। रेडी हो गए हैं, उधर बाबू भी रेडी हो गया है, और हम लोग जा रहे हैं गाड़ी या मतलब कार निकालने जा रहे हैं। और मुझे एक्चुअली स्कूटी से बाबू का कैप लेना है क्योंकि मैं ट्यूशन वगैरह छोड़ने जाती हूँ, तो कैप और स्कूटी भी रहता है। क्या हो गया, घर का चाबी रखे हो? ओके, तो अभी हम लोग निकल रहे हैं, दरवाजा वगैरह सब बंद करके, कि ऐप नीचे है। ओके, सो मैं फटाफट शूज पहनती हूँ, फिर निकलते हैं। क्या करती हूँ मैं, क्या करती हूँ बताओ? मेरे को बोलता है आप, तुम हमेशा कार में ब्लॉगिंग करती हो, तो कहाँ पे करना चाहिए बेटा, कहाँ पे करना चाहिए? बाहर। तो आज मैं और मेरे हबी दोनों मैचिंग पहने हैं, और बाबू डिफरेंट पहना है ना, बाबू यूनिक पहना है और हम दोनों सेम पहने हैं। तो आप ये पहनने वाले थे कि मेरा देख के पहने हो, मैचिंग करके पहने हो मेरे से, कि आप ये पहनने वाले थे? मैचिंग क्या, मैचिंग करके पहने, यही पहनने वाला था, यही पहनने वाला था। हाँ बेटा, राधे राधे गाना सुनना है। तो अभी कितना, यहाँ से कितना किलोमीटर है वाले गाँव से? 60 किलोमीटर करीबन, 1.5 घंटे अप्रॉक्स, 1.5 घंटा, 1.25 घंटा। रोड अगर अच्छा रहा तो, यहाँ का रोड थोड़ा अच्छा है, अब आगे अच्छा वाले रोड से ही जा रहे हैं, नामपुर रोड से, हाँ तो हाईवे से ही जा रहे हैं। तो हो सकता है मुझे उल्टी ना हो, मुझे बहुत प्रॉब्लम है वॉमिट का कार में। तो बस अभी निकल चुके हैं, और जैसे जैसे रास्ता स्टार्ट होता जाएगा, मतलब शुरू होता जाएगा, ब्यूटीफुल सीनरी वो मैं दिखाते जाऊँगी आप सबको। फिलहाल ये तो सिटी है, तो सिटी से बाहर चले जाते हैं, उसके बाद फिर आगे का जो शूट है वो मैं कर लूँगी। ओके, से हेलो। Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. And sometimes you just gotta. हम लोग केरला पहुंच गए। हम लोग इतने जगह घूमे हैं, इतनी ग्रीनरी दिखी है आपको? इस तरफ रहते हैं, आपको तो पहले दिखी होगी क्योंकि यहाँ पे तो आप आते रहते हैं। वैसे ज्यादा दिखी है,
आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे और आती जाएगी क्या? ये देखो आम का पेड़ है। जो दो पहाड़ दिख रहे हैं ना, ये जिसमें चोटी निकली हुई है, तो इसलिए मांगी तुंगी दो पहाड़ का नाम है। एक का नाम है मांगी, दूसरे का नाम है तुंगी। तो हम लोग कौन से जाने वाले हैं, मांगी में कि तुंगी में पता नहीं, क्योंकि दोनों में से एक में है ऋषभ भगवान का जो स्टैचू, जो वर्ल्ड का सबसे बिगेस्ट स्टैचू है। तो अभी देखते हैं किस में, और जो एक और पहाड़ है वो जस्ट ट्रैकिंग के लिए है। तो अभी पता नहीं धूप में कितना क्या हो पाएगा, बट ठीक है अभी जस्ट पहुँचने वाले हैं, फिर पहुँच के ब्लॉग को कंटिन्यू करेंगे। अभी आते आते उल्टी हुआ घर से जो पराठा और चाय खा के आई थी सब निकल गया, और अभी फिर हम लोग वहाँ पे जाके रास्ता काफ़ी ख़राब है। अभी वहाँ पे जाके फिर उनकी जो गाड़ी रहती है उससे ऊपर जाना रहता है। हमारी गाड़ी से हम नहीं जा पाएंगे, इसलिए मैं कुछ भी अभी खा नहीं रही हूँ। मैं नहीं चाहती फिर से मुझे वॉमिट वगैरह कुछ हो, तो ठीक है अभी मैं फ़िलहाल आपसे मिलूँगी डायरेक्ट वहाँ पहुँचने के बाद। कैसा क्या रहेगा शेयर करूँगी। ये देखो कितना सुंदर है व्यू यहाँ का। वो होटल है क्या ऑरेंज कलर का? कौन सा ऑरेंज? वो मंदिर मंदिर है। मंदिर है क्या? वाओ, लेफ्ट में कमान है। कमान का ले लो। ये कमान है क्या? इधर से जाता है? हाँ, ऊपर चढ़ाना है। तो ये है, ये एक्चुअली तहाराबाद करके एक जगह है, वहाँ से 3 किलोमीटर आप सीधा सीधा जाओगे तो ये एक कमान पड़ेगा, इसके अंदर से ये लेना है गाड़ी। और बस ये देखो मांगी तुंगी यहाँ पे लिखा भी हुआ है 6 किलोमीटर। वो देखो पहाड़ दिख रहा है आपको? किसके अंदर लेना है, कहाँ जाना है? तुंगी अंदर जाना है ना, पता नहीं, पूछ लो। मांगी तुंगी तो ये विश्व की सबसे ऊंची क्या है, दिगंबर जैन प्रतिमा, 108 फीट भगवान ऋषभ देव की मूर्ति मांगी तुंगी। तो चलिए देखते हैं जो वर्ल्ड की सबसे ऊंची मूर्ति है ऋषभ भगवान की, वो कितनी ऊंची है, और खाएंगे कब। पीछे से ऑर्डर आ रहा है तो पहले हम मूर्ति देख के आ जाएंगे, उसके बाद फिर खाएंगे, फिर बाकी घूमेंगे। बिकॉज खाएंगे तो मैं तो ज़्यादा नहीं खाऊंगी, नहीं तो फिर से उल्टी करूंगी मेरे पति परेशान है मेरे से तो चलते हैं अभी फ़िलहाल, और मैं ब्लॉगिंग कंटिन्यू करूंगी डायरेक्ट वहां पहुंच के। यहां से कहां जगह है गाड़ी डालने का? अच्छा ये है रोड, मैं कंफ्यूज हो रहा था। आराम से यहाँ से पार्किंग है ना। सो अभी हम लोग यहाँ पहुँच गए हैं, और यहाँ पे पार्किंग में गाड़ी भी लगा दी है, मुझे फिर एक बार उल्टी हुई है मैं कैसे बता भी रही हूँ, बट मुझे थोड़ी प्रॉब्लम है वॉमिटिंग की। और ये जस्ट मेरे पीछे आप देख सकते हो वो जो पहाड़ है, पीछे जो पहाड़ है वो है, वहाँ पे एक्चुअली हमें जाना है। तो पार्किंग एक्चुअली अपनी गाड़ी से आप नहीं जा सकते, यहाँ पे पार्किंग लगाना पड़ता है, गाड़ी लगानी पड़ती है पार्किंग में, और उनकी जो गाड़ी रहती है उससे आप मतलब वो लेके जाते हैं। तो यहाँ पे वेट कर रही हूँ मैं, और बाबू और मेरे हस्बैंड थोड़ा सा उधर गए हैं पता लगाने, तो जैसे ही वो लगा के आते हैं पता, देन फिर हम ऊपर चढ़ेंगे। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ यहाँ का सीन। तो ये देखिए कुछ इस टाइप का है, और वो देख रहे हैं दो पहाड़, वो एक ये एक देन ये। तो बहुत ही अच्छा लग रहा है यहाँ पे आके।
ज़्यादा कुछ शूट कर नहीं पाई, अभी लिफ्ट से ऊपर जाने वाले हैं। तो अभी हम लोग आ गए हैं मांगी में, और एज यू कैन सी यहाँ का व्यू बहुत ही प्यारा है, और यहाँ पे बंदर भी आ चुका है। हम लोग फ़ोटो ले रहे थे तो उतने में बंदर आ गया, तो मैं जल्दी से अपना सेल्फी स्टिक हटाई, नहीं तो वो बंदर लेके भाग जाता। ओके, सो ऐसा कुछ व्यू है। ये पीछे लिफ्ट लगा है, वहाँ से हम लोग आए थे, एंड ये साइड पर आपको दिख रहा है, इधर बंदर बैठा हुआ है। तो काफ़ी सुंदर सा व्यू है, हम लोग थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट किए, एंड बस अभी थोड़ा नीचे नीचे घूमेंगे, दो तीन और मंदिर है, तो मैं आपको बैक कैमरा से यहाँ का पूरा जो व्यू है दिखा दी। तो ये है महावीर भगवान, ऋषभ भगवान की मूर्ति। तो अभी और कंस्ट्रक्शन चल रहा है, इसे और अच्छे से करना है। देन ये है बहुत बड़ा सा माउंटेन, ये इसका एंड। और वो जो पहाड़ दिख रहा है वो है तुंगी। हम लोग अभी हैं मांगी में, और ये है सीढ़ी। बाबू इसको पकड़ो, तो इसको पकड़ो, इसको। ये रहा एक बंदर, ये बच्चा है उसके पेट के पास। अच्छा, ये इधर बैठा हुआ था। तो ये है तुंगी, देन ये सीढ़ी है। ये सीढ़ी से चढ़ के जाते हैं क्या? उधर लिफ्ट नहीं है तो वहाँ पे क्या है? तुंगी में गुफा में क्या है? तो रामा में भगवत की धाम है, श्री कृष्ण और बलदाऊ थे जो, और राम और जो क्या नाम है उसका, उनके भाई लक्ष्मण थे जो, और शरद भरत और जो हनुमान जी वगैरह की, इन लोगों के ऊपर गुफा है। अच्छा, मतलब वो सीता जी ने जो तपस्या की थी वो ऊपर गुफा है। अच्छा, कितनी सीढ़ी है? हर एक जगह गए थे वो, तो चित्रकूट चित्रकूट सब जगह गए थे, उनका युद्ध वगैरह यहाँ से स्टार्ट हुआ। अच्छा, कितनी सीढ़ियाँ है उधर? 1500। कितना घंटा लगेगा? एक घंटा, अरे धूप में चढ़ भी नहीं पाओगे। आज धूप थोड़ी कम लग रही है हर दिनों से, आज कम है, आज थोड़ी कम है, वेदर अच्छा है, देखने लायक भी है। आप लोग कॉन्ट्रैक्ट? नहीं, हम भी नहीं गए। বাচ্চাটা তাকাচ্ছে তোমার, এ দেখো তো সুন্দরটা বাবু মঙ্কি, ওয়াও, দেখ ওর কাছে বাচ্চা আছে ছোটটা, প্লিজ বানাবে, আদর করছে, দেখো আদর করছে,
ওর মুখে চুমু দিচ্ছে, কি সুন্দর টাইম। तो हम लोग आ गए हैं मांगी जो माउंटेन था वहाँ से, और ऋषभ भगवान की मूर्ति का दर्शन भी हो गया है। और अभी हम लोग जस्ट नीचे आ गए हैं, यहाँ से हम लिफ्ट से ऊपर गए थे और यहाँ से गाड़ी से हमको नीचे जाना है। तो कैसा लगा अभी? हा? कैसा लगा? तुंगी नहीं जाना है? तुंगी नहीं जाना है? ओके, सो ये रहा कुछ ऐसा व्यू है, बहुत ही प्यारा सा व्यू है। बंदरों को अटैक हो रहा है, अटैक कर दिया बंदरों ने हम पे। बेबी देखो, देखो कतो बनू, बहुत सारे यहाँ पे मंकी है। देखो बेबी इसका, देखो मम्मा, यहाँ पे जब भी आओ ना पर्स वगैरह अपना बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। हाँ देख रही हूँ, देख रही हूँ। না করো না, করো না, কিছু করো না, কিছু করবে না, কিচ্ছু করবে না, কিচ্ছু করবে না, করো না, জাস্ট চলে যাবে। অ্যাকচুয়ালি লোক ভুক ভুক লাগতি না তব আতে কুছ মত করো, উঠে বেঠ যাও, শান্ত সে বেঠ যাও, কুছ মত করনা, কুছ নি করেগা। সে আ রহে হ্যায় ক্যা ইয়ে, সিঁড়ি চড় কে আ রহে হ্যায় দেখো, भक्त हैं उसी। तो यहाँ पे बहुत सारे बंदर हैं और मेरे हस्बैंड यहाँ पे देखो डंडा लेके रखे। बंगाली में बोलते हैं, क्यों बोल रहे तुम्हें बंगाली थे, क्यों बोल रहे, बोलो ना, एक डंडा मारो बाबा नाम बोले जाओ। तो यहाँ पे बहुत सारे बंदर आ गए हैं फिलहाल, तो वेट करें हम लोग, गाड़ी आएगी तब नीचे जाएंगे और थोड़ा बहुत जो मंदिर है वो घूम के थोड़ा कुछ खा लेंगे। मैं तो इतना नहीं खाने वाली, इन्हीं लोग खाएंगे। क्या खाएंगे? क्या खाएंगे? क्या खाएंगे बताओ ना। आपको जो खाना है वही खाना। पनीर नहीं, पनीर उसको सिर्फ पनीर पसंद है और कुछ भी पसंद नहीं है। यहाँ पे करीबन एक घंटे से हम लोग बैठे हैं बट अभी नहीं आया है, गाड़ी नीचे ही है और एक्चुअली सवारी मिलेगी तब उन लोग लेके आते हैं, फिर लेके जाएंगे, बट अभी नहीं आया है तो हम लोग बैठे हुए हैं और हवा काफ़ी चल रही है। ऊपर जो है ना टीना का लगा हुआ है तो हवा में बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ भी आ रहा है। और पूरा अभी थोड़ी देर पहले पूरा बंदर आ गया था यहाँ पे, तो मुझे डर लग रहा था। मैं कुछ रील्स बना रही थी तो वो भी बनाने में डर लगता है कि हाथ से छीन के मोबाइल ना ले जाए, लेकिन मतलब ऐसा बोला गया था। हम लोग जब ऊपर आ रहे थे ना तो एक अंकल ने कहा था कि पर्स मोबाइल वगैरह संभाल के बंदर छीन के ले जाते हैं, तो ब्लॉगिंग भी अच्छे से करने में डर लग रहा है। बार बार मैं इधर उधर देख रही हूँ बंदर ना आ जाए, इतना ज़्यादा बंदरों का आतंक मचा के रख दिए हैं। और हम सेल्फी स्टिक एज अ स्टिक यूज़ कर रहे हैं तो मेरे हस्बैंड डरा रहे हैं ताकि वो पास ना आए ज़्यादा। तो बस ये भी बैठे हैं, इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं लग रही है सच बताऊँ, अभी चल रहा है मई का महीना। चलो तो अभी हम लोग नीचे उतर आए हैं और यहाँ पे आ गए हैं। एक्चुअली भूख लगी है सबको, तो यहाँ भोजनालय है तो इधर आ गए हैं। यहाँ पे अभी जाके देखेंगे कैसा क्या मिलता है, वैसे फर्स्ट टाइम है तो पता है नहीं, सब जैन लोगों का ही है। हमें एक टाइम नहीं है निश्चित, सामने ना सामने ही भोजनालय है तो लेट्स सी जितना हो पाएगा शूट करने की कोशिश करूँगी, थोड़ा बहुत क्लिपिंग। इन दोनों की इतनी तेज़ भूख लगी कि भाग रहे हैं, मुझे भी लग रही है लेकिन भूख से ज़्यादा डर लग रहा है वॉमिटिंग ना हो जाए। तो चलते हैं देखते हैं। तो हम लोग का लंच हो
वगैरह सब हो चुका है और अभी हम लोग जा रहे हैं, मतलब मैं जा रही हूँ गाड़ी की तरफ, इन लोग पहले चले गए हैं। और यहाँ का खाना अच्छा है, बहुत अच्छा है, सात्विक खाना। तो अभी बस हम लोग निकलने वाले हैं और मे बी एक जगह और हॉल्ट है हमारा, शायद उधर किसी मंदिर में, तो देखते हैं। फिलहाल लोग बाहर चले गए तो मैं भी चलती हूँ और देखती हूँ कहाँ पर क्या जाना है। अब हम लोग वापस जा रहे हैं, हो गया हम लोग का खाना और ये मंदिर घूमना ना। अब अगला मंदिर है ना, लास्ट 5-6 किलोमीटर है क्या वो? 5 किलोमीटर बाद फिर से एक मंदिर है, तो वो लास्ट है। वहाँ पे वहाँ से दर्शन करके फिर हम लोग घर निकलेंगे डायरेक्ट। और अभी टाइम हो रहा है, 2 बज रहा है अभी। क्या वो आज अभी क्या नहीं देते हैं शायद? तो कहाँ मिलता है फिर दाल बाटी चूरमा? खाना पड़ेगा सर, एक बार पूछ के आ जाओ, देते होंगे तो है? देते होंगे तो तो अच्छा खावर पार्सल ही देंगे? नहीं ठीक है, फिर क्या कर सकते हैं, फ्री में दे रहे हैं ना वो, तो फिर नहीं मैं नहीं खा पाऊँगी अभी, वॉमिट हो जाएगा। चालू है जमेस? हाँ चलो जी, किस करो? दाल बाटी चूरमा बनता है ना संडे को, कि अभी नहीं। तो एक और हम लोग हॉल्ट लेने वाले थे बट वहाँ पे भोजनालय है, तो मैं सोची पहले दाल बाटी चूरमा उधर बनता होगा, बट शायद संडे को वो मिलता है और आज है सैटरडे एंड वो पार्सल देते नहीं है शायद, वहाँ बैठ के खाने का रहता है, तो इसलिए अभी तो मुझे बिल्कुल भूख भी नहीं है, क्योंकि थोड़ा बहुत मैं खा ली थी, बस सही सलामत घर पहुँच जाओ खुद ना काफ़ी है। एंड बस अभी हम लोग घर निकल रहे हैं और इसका व्यू काफ़ी अच्छा है, आते टाइम भी मैंने क्लिप आपने देखा होगा, मैंने डाल दिया है पहले क्लिप वगैरह, सो काफ़ी अच्छा व्यू है यहाँ पे। और सबसे अच्छी बात आज ये है कि आज हम जब जा रहे हैं, मतलब आए हुए हैं, तब पूरा बादल है, ज़्यादा धूप नहीं है, बीच में थोड़ी धूप थी, धूप मतलब ऐसा भी धूप नहीं था बोला जाए तो, हल्का फुल्का जो बादल वाली धूप है ना वो, तो बादल वाली धूप थी तो अच्छा भी लग रहा था और बहुत अच्छे से घूम लिए। सबसे ज़्यादा टेंशन मेरे को ये लग रहा था घर से आते टाइम कि ज़्यादा अगर धूप रहेगी तो कैसे घूमेंगे, या फिर बहुत खटर पटर हो रहा है, तो वो सबसे ज़्यादा टेंशन था कि अगर ज़्यादा धूप रहेगी तो कैसे घूमेंगे, कैसे क्या होगा, बट बहुत अच्छे से सब हो गया है ना, धूप भी नहीं थी ज़्यादा। और इनके साथ एक बहुत अच्छी वाली चीज़ हुई है, तो घर पहुँचने के बाद ये खुद बताएंगे कि क्या हुआ है उनके साथ, या फिर अगर अभी आप बताना चाहते तो बता दो, बताओ ना प्लीज। वहाँ काफ़ी सारे मंकीज थे, बंदर, जो मेरे पैंट का पॉकेट चेक कर रहा था कि कुछ खाने का मिल जाए, लेकिन बेचारे को कुछ मिला। व्हाट इज़ योर रिएक्शन? मैं डर गया था।
डर के ऐसे नहीं, पता है क्या हुआ, मैं चेक करवा रहा था, देख ले भाई, देख ले। एक्चुअली मैं एक रील में इंस्टाग्राम में शेयर की हूँ, तो आप वहाँ से एक बार देख लीजिएगा वो रील, और इंस्टाग्राम हैंडल मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा। तो वो रील में ना, जब मैं रील शूट कर रही थी, तो तुरंत एक बंदा पीछे से आके बैठा, ठीक है, तो उस टाइम तो मैं ध्यान नहीं दी, क्योंकि जो मेरा आई कॉन्टैक्ट वो कैमरा में रहता है, स्क्रीन पर देखूँगी तो फिर आप लोगों को कुछ अलग लगेगा, तो तब मैं ध्यान नहीं दी। जब उसके बाद मैं रील दोबारा चेक की ना, है ये कौन आ गया, तो एक तो मुझे बहुत ज़्यादा डर लगा, क्योंकि तुरंत मैंने रील बनाया था, तुरंत बंदर पीछे मुझे दिखा, तो ना मैं ऐसे देखो जस्ट ऐसे पलट के देखी, तो बंदर बैठा था और कहाँ मेरे बाल के पास, मुझे ये लगता था कि जुआ ना मिलने लग जाए बंदर, और बाबू के जस्ट पीछे बैठा था, बाबू मेरे बगल में बैठा था और वहाँ पे हमारा पानी का बॉटल था, तो शायद उसको पानी का बॉटल चाहिए हो, कुछ भी, हाँ तो कुछ भी चाहिए हो, वो तो मुझे नहीं पता क्या चाहिए था उसे, बट ना ऐसा हुआ, ठीक है। फिर मैं बोली, अरे बंदर है, आप लोग क्या कर रहे हो, फिर जैसे हम लोग उठ के गए हैं ना, भागे हैं उठ के, जस्ट उठने के बाद वो जो मतलब दो बंदर थे, एक मम्मी और एक उसको बच्चा, तो जो उसकी मम्मी थी ना, वो मेरे हस्बैंड का पीछा करने लगते, पसंद करती मेरे हस्बैंड को। उसके बाद पता है, एक तो मेरे हस्बैंड वो सेल्फी स्टिक को डंडा बना के घूम रहे थे, और उसके बाद फिर कितना अच्छे से पास आ गया, कितने अच्छे से, मतलब डंडे का डर ही नहीं है, मेरे हस्बैंड बोलते हैं रुक बताता हूँ, तो बावन नाम भूलिए थी, वो एक बंगाली कहावत है कि पापा का नाम भुला देंगे, तो वही बावन नाम भूलिए थी वो, लेकिन वो बंदर ने इनके पापा का नाम बुला दे। ये एकदम म्यूट हो गए थे, म्यूट आया वो और बेंच पे बैठा हुआ था, ये जस्ट बेंच के पास थे, वो बेंच पे इतने चढ़ चढ़ के आ गया, लंबा बेंच था, इतने अच्छे से चेक कर रहा है, और इतने अच्छे से पॉकेट चेक कर रहा है इनका, ये मतलब ना पॉकेट में अपना हाथ घुसा रहा था, ठीक है, बंदर चेक कर रहा था पहले, चेक हाँ है कि नहीं, पहले ऐसे खोल खोल के देख रहा कितने अच्छे से ना, और मेरे हस्बैंड दम ऐसे स्टैचू, मैं बोली अरे ये भगाओ ना, मतलब मैं एक्चुअली मैं बंगाली में बोली चलना, मुँह से वर्ड नहीं निकल गया, चलो ना वो भी नहीं आ रहा है, वो बोलते हैं ना जब कुछ ऐसे कंडीशन में फंस जाओ तो अपना मदर टंग याद आ जाता है, तो मुझे बंगाली चलना, अपने हस्बैंड को बोल रही हूँ अरे चलना, और ये स्टैचू की देख छे क्या देख रहा है ऐसे करके, तो फिर वो पॉकेट में ऐसे एकदम ऐसे ऐसे करके चेक कर रहा है, हाथ घुसाने वाला है, मैं बोली मोबाइल लेके भाग ना जाए, तो मोबाइल तो हाथ में था, और ये मतलब जो सेल्फी स्टिक पकड़े उसका यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं, हमारे वीर है ना बहादुर सेल्फी स्टिक का यूज़ भी नहीं कर पा रहे हैं, सिर्फ वो दिखाने के लिए था कि मैं मार दूंगा, लेकिन यूज़ नहीं कर पा रहे सेल्फी स्टिक का, मतलब इतना ज़्यादा खौफ रहता है। अब मुझे डर ये था कि अगर उसको पॉकेट में कुछ मिला नहीं, या फिर ये सपोज़ मार भी दिए तो मतलब वो नो चोच ना दे, तो वो डर लग रहा था, क्योंकि गाड़ी इन्हीं को चलानी है, इसलिए तो मैं भी कुछ नहीं कर रहा था, डरपोक डम हो गए थे, वहाँ म्यूट हो गए थे, मारेगा अगर उसको कुछ करता था तो, वो सेल्फी स्टिक लेके आप क्यों वहाँ पे ज़्यादा वो कर रहे थे, मैं बोला चेक कर रहे हैं, चेक बोला नहीं, मैं बोली चलना करके, फिर ना उसको मैं अपने हस्बैंड को उसे धक्का देके लेके गई और चलो यहाँ से, मतलब वो चेक करा रहे हैं कि ले भाई तू चेक कर ले, जो करना है कर ले, देखो जो लेना है ले, है ना, बाबरे मतलब इतनी हंसी आई मुझे आज, पूरा दिन का जो हाईलाइटेड था ना ये था, उस टाइम मेरे हाथ में मोबाइल नहीं था, तो इतना जान पे बनी हुई थी, मोबाइल लेके क्या करूँगी शूट करके, जान है तो जहान है, तो चलिए फिर अभी मैं डायरेक्ट आपसे मिलती हूँ घर पे, और घर पे जाके बस थोड़ा सा हाथ मुँह धो के देखेंगे, अगर टाइम रहेगा थोड़ा सो जाएंगे, मतलब फ्रेश वगैरह होके थोड़ा कमर अमर सीधा करेंगे, कूलर वूलर की हवा खाएंगे, एंड फिर ब्लॉग जैसा भी रहेगा तो आपको देखने मिलेगा। फिलहाल आगे ना बहुत लंबी लाइन है ट्रक की, तो इसलिए गाड़ी भी बहुत धीरे धीरे चल रही है, और अभी बज रही हैं 2:15, तो हम लोग 4 बजे के 3:30-4:15 हो जाएगा घर पहुँचते, तो फिर ठीक है मिलते हैं घर पे आप सभी से। तो वो जो रील्स का जो लिंक है ना, मतलब इंस्टाग्राम का तो लिंक रहेगा ही, हैंडल का लिंक, वो आप जाके वहाँ पे जाके फॉलो कर लीजिएगा, एंड जो रील्स का लिंक है, मतलब वो जो रील में बंदर जस्ट मेरे पीछे आया, वो जो मोमेंट मैं आपको बता रही हूँ, उसका लिंक भी अलग से मैं दे दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे, तो वहाँ पे भी जाके आप ज़रूर चेक करिएगा वो लिंक, तो आपको समझ में आएगा कि मैं कौन से मोमेंट की बात कर रही थी। उसके बाद ही जस्ट इसका मतलब इनका जो चेकिंग है, मंकी मैन पुलिस मैन
मैन चेकिंग हो रहा था इनका कि ये क्या अंदर माल पानी छुपाए हैं करके. तो फिलहाल कुछ स्थानीय रक्षक अंदर ना उनको पानी पानी की जो प्यास और क्या बोलते खाना भूख पानी प्यास बहुत ज़्यादा लग रहा था, इसलिए वो जिसके हाथ में कुछ भी देखते हैं ना तो वो झपट पड़ते हैं. अगर आप पर्स लेके जाते हो ना तो सावधानी से जाओ, क्योंकि वो झपटेंगे ही झपटेंगे, आपके आजू बाजू घूमते रहेंगे. और इसलिए मैं पर्स भी नहीं लेके गई थी, सिर्फ सेल्फी स्टिक था और मेरा ट्राईपॉड था, देन मोबाइल एंड वाटर बॉटल जो कि मैं हाथ में ही पकड़ी थी. तो सिर्फ वही मैं लेके गई थी और कुछ भी नहीं लेके गई थी. फिर भी इन पर अटैक हो गया, डोंट नो वाई. मैं भी जीन्स पहनी हूँ बट अटैक से निकल हुआ. अच्छा नहीं नहीं मम्मी बंदर थी ना इसलिए इन पे अटैक हो, पापा बंदर होते हो मैंने चेक कर लेते. व्हाइट व्हाइट दिख रहा है ना, उसको ऐसा लगे कुछ पन्नी अन्नी है खाने की चीज, इसलिए सावधानी से जाइए. खाने की चीज़ तो बिल्कुल साथ में मत लेके जाइएगा, और पर्स भी रहते ना साइड वाला जो स्लिंग बैग है वो लेके जाइएगा, और जो बड़ा वाला पर्स है वो मत लीजिएगा. पता चला आपके हाथ से लेके वो भाग गए पहाड़ के ऊपर चढ़ गए और आप हाथ मलते रहे तो बस यही था. तो अभी हम लोग घर आ गए हैं और अभी टाइम हो रहा है 3:30. तो 3:30 बजे हम घर आ चुके हैं. करीबन 1.5 घंटा लग जाता है वहाँ से आने में. और अपनी गाड़ी से अगर आप जाते भी हो ना तो वहाँ पे उनकी पार्किंग रहती है, वहाँ पे गाड़ी आपको पार्क करनी पड़ेगी, देन आपको उनकी गाड़ी पे जाना पड़ेगा. और पर कॉस्ट है 100 रुपीज़, मतलब एक का 100 रुपीज़ वो लेते हैं, आने जाने दोनों का मिला के 50-50. तो आपको 100 रुपीज़ देना पड़ता है, वहाँ से टिकट मतलब लेनी पड़ती है. तो वो अपनी गाड़ी में लेके जाएंगे आपको ऊपर और छोड़ देंगे वहाँ पे, आप घूमिए फिरिए. और उनकी गाड़ी हर 15 मिनट आधे घंटे में आती जाती रहती है. वहाँ वेट करने का भी है, जहाँ पे हम मतलब बैठे हुए थे आपने देखा बंदरों ने अटैक कर दिया था, तो वो भी बना हुआ है. तो मेरा सबसे ज़्यादा जो टेंशन था, मेरे जैसे जो लोग हैं जिनको उल्टी की बहुत प्रॉब्लम रहती है, मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है. और अभी कुछ बहुत दिनों से घूमने भी ज़्यादा लंबा टूर पर नहीं गए हैं इसलिए ज़्यादा है. तो जिन्हें ज़्यादा ऐसा प्रॉब्लम रहता है ना तो उनको ज़्यादा मतलब. मुझे एक्चुअली क्या हुआ था, बहुत सोच रही थी कि ऊपर कैसे जाऊँगी, क्योंकि अगर एसी वाली गाड़ी हुई पूरे पैक वाली तो उल्टी आएगी, तो कहाँ पे उल्टी करूँगी. मेरा सबसे ज़्यादा टेंशन सच बताऊँ यही था. बट जब मैं वो गाड़ी देखी तब मुझे थोड़ा रिलैक्स हुआ, क्योंकि वो कैसी गाड़ी है आपने भी देख लिया है. तो जिनको उल्टी की भी प्रॉब्लम है ना वो बिंदास घूम सकते हो उल्टी कर करके. मेरी 2 बार हो गई है. सो ऑल राइट, आज का जो ब्लॉग है यही पे एंड होता है. होप ये ब्लॉग आपको बहुत अच्छा लगा हो. ब्लॉग पसंद आया देन डू लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट नोटिफाई व्हेन माई वीडियो विल बी अपलोडेड. एंड यार डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी इंस्टाग्राम. इंस्टाग्राम में ज़रूर 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 से फॉलो कर लीजिएगा. और आप सबका प्यार मिल रहा है मुझे इंस्टाग्राम में, और भी ज़रूरत है आगे. तो ऑल राइट, ब्लॉग आज का ब्लॉग जो ट्रेवल ब्लॉग यहीं पे एंड होता है. एंड टेक केयर, बी पॉजिटिव, स्टे सेफ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. बाय.